वेलकम दोस्तों टू फैन ब्लेज फैंटेसी बाइट्स। फैंटेसी बाइट्स मतलब एक शॉर्ट वीडियो, एक टू द पॉइंट वीडियो जहां आपको मिलेगी ऑल द फैंटेसी इन्फॉर्मेशन यू नीड एंड टीम्स फॉर चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस कोलकाता नाइट राइडर्स गेम नंबर 15 फ्रॉम मुंबई आईपीएल 2021। मैं हूं अकुल ढींगरा एंड लेट अस बिगिन। हेड टू हेड चेन्नई 59 से कोलकाता से आगे है, पिछली 5 गेम में 3-2 से आगे है, पिछले 10 गेम में 6-4 से आगे है, बट पिछले आईपीएल दोनों चेन्नई और कोलकाता ने एक एक मैच एक दूसरे के अगेंस्ट जीता। चेन्नई फिनिश्ड इन 7th प्लेस लास्ट सीजन, मगर इस सीजन पहला मैच हारने के बाद दे हैव कम बैक स्ट्रॉन्ग एंड वन द नेक्स्ट 2 गेम्स। दूसरी तरफ कोलकाता जो 5th आई थी पिछले सीजन, अपनी पहली गेम जीती और उसके बाद दे हैव लॉस्ट द नेक्स्ट 2 गेम्स। टीम्स के बीच का हाईएस्ट स्कोर है 205 पे 5 चेन्नई का, दे चेस डाउन 202 का टोटल इन चेन्नई। लोएस्ट स्कोर 108 फॉर 9 केकेआर का चेन्नई में आईपीएल 2019 में। सबसे ज्यादा रन चेन्नई से है सुरेश रैना के 736 रन एंड 8 हाफ सेंचुरीज वर्सेस केकेआर। दूसरी तरफ वी हैव आंद्रे रसेल विद 270 रन वर्सेस सीएसके 161 का स्ट्राइक रेट। सबसे ज्यादा विकेट्स चेन्नई से रवि जडेजा, कोलकाता से सुनील नारायण जो आज बाय द वे मोस्ट प्रोबेबली खेलेगा, दोनों की 15-15 विकेट्स हैं एंड बहुत अच्छा इकोनॉमी रेट भी है। मुंबई के ग्राउंड रिपोर्ट पे चले तो हम देखेंगे पिछले 17 मैचेस एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर 177, एवरेज सेकंड इनिंग स्कोर 168। बॉलिंग फर्स्ट की बहुत बड़ी एडवांटेज है यहाँ पे 12-5 से। इस आईपीएल 6 गेम खेली गई है मुंबई के ग्राउंड पे, एवरेज फर्स्ट इनिंग्स 175 रहा है, एवरेज सेकंड इनिंग्स 167। रीसेंट गेम्स में ये गिरा है एंड यहाँ पे भी बॉलिंग फर्स्ट की 4-2 से एडवांटेज है। दो चेन्नई अपना पिछला मैच यहाँ पे बैटिंग फर्स्ट करके जीती। ओवरऑल दे हैव 9 विन्स ऑन दिस ग्राउंड एंड 8 लॉसेस। केकेआर हैव अ पुअर रिकॉर्ड हियर ऑन दिस ग्राउंड, ओनली 1 विन विद 8 लॉसेस। कूल इवनिंग होगी, 28-29 डिग्रीज के बीच में टेम्परेचर है, बट बिकॉज मुंबई इज नेक्स्ट टू द सी एक्सपेक्ट अ ह्यूमिड इवनिंग एज वेल। एंड पिच की बात की जाए, पिछले मैच में एक्सपर्ट्स ने कहा कि ये जो विकेट थी ये टैकी थी। टैकी से हमें क्या समझ आया कि थोड़ी बहुत सेकंड इनिंग्स में स्पिनर्स को हेल्प मिली, बट क्यों मिली? नॉट बिकॉज ऑफ द चेन्नई के ग्राउंड का रीजन, यहाँ पे हेल्प मिली बिकॉज बाउंस था विकेट में एंड ऑल्सो थोड़ी सी पेस है, तो जब स्पिनर्स भी अपनी नॉर्मल स्पीड पे बॉलिंग करते हैं उनको बाउंस मिलता है एंड उनकी बॉल स्पिन थोड़ी क्विकली होती है। इस पिच पे जो हम लोग पहले सीम मूवमेंट देख रहे थे वो तो नहीं रही, मगर पेस एंड बाउंस से इफ अ फास्ट बॉलर स्पेशली बेंड्स हिज बैक ही कैन गेट समथिंग आउट ऑफ दिस विकेट। मगर पेस एंड बाउंस का ये भी मतलब है द बॉल कम्स ऑन टू द बैट वेरी वेल, तो इट कैन बी डिपॉजिटेड टू द स्मॉल मुंबई बाउंड्रीज ऑल्सो वेरी ऑफन। एक्सपेक्ट करिए पहले बैटिंग जो करेगा वो 170 प्लस मारेगा। इस आईपीएल 6 मैच में इस ग्राउंड पे 84 सिक्सेस लग चुके हैं एंड हमें पता है कि ड्यू आती है इस ग्राउंड पे एंड स्कोर को डिफेंड करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो एक्सपेक्ट द टीम्स टू विन द टॉस एंड फील्ड फर्स्ट। इवन चेन्नई जो पिछला मैच जीती बैटिंग करके, दे विल लुक टू फील्ड फर्स्ट। टीम्स के स्क्वाड्स की बात की जाए, मे बी ऋतुराज गायकवाड की जगह रॉबिन उत्तपा आए फॉर सीएसके, ऑल्सो दे विल वॉन्ट टू मे बी प्ले लुंगी नगीडी की एक्स्ट्रा पेस, बट किसकी जगह खेलेंगे? हो सकता है ड्वेन ब्रावो को बाहर बैठना पड़े, बट वी नो एमएस धोनी अगर उसकी टीम जीत रही होती है वो कोई चेंजेस नहीं लाता, तो हो सकता है सेम प्लेइंग 11 पिछले मैच की ही मिले। केकेआर के लिए बात ये आ रही थी कि शायद शकीब अल हसन अब बाहर बैठे और सुनील नारायण आ जाए टीम में। ऑल्सो प्रसिद्ध कृष्णा और पैट कमिंस बहुत सिमिलर बोलर्स है, सो मे बी कमलेश नागरकोटे या शिवम मावी को लाया जाए उनकी जगह, बट ऑफिशियली हमें कब पता चलेगा? टॉस के बाद ही प्लेइंग 11। स्टैंड आउट परफॉर्मेंस की बात की जाए तो कुछ फैक्ट्स निकाले हैं मैंने। हरभजन सिंह बाय द वे रैना को 5 बारी आउट कर चुका है और डुप्लेसी को 3 बारी आउट कर चुका है, और मुंबई की जो फ्लैट विकेट है यहाँ पे हरभजन सिंह डज वेरी वेल, 49 विकेट्स टू हिज नेम और जस्ट अबाउट 7.2 का इकोनॉमी रेट। सुनील नारायण वर्सेस एमएस धोनी, एक भी बाउंड्री धोनी नहीं मार पाया है सुनील नारायण को, 30 रन ही मार पाया है उसकी बॉलिंग पे 63 बॉल्स पे, नहीं ये टेस्ट मैच में नहीं T20s की बात हो रही है। शार्दुल ठाकुर, ही हैज गॉट शुभमन गिल आउट 3 टाइम्स इन जस्ट 16 बॉल्स, तो क्या शार्दुल ठाकुर को आज न्यू बॉल देनी चाहिए? ऑल्सो रसेल के 0 सिक्सेस हैं ऑन दिस ग्राउंड इन मुंबई एंड बैटिंग एवरेज सिर्फ 8.2 की है, बट ये रीजन इसके पीछे यही है कि रसेल और केकेआर मुंबई इंडियंस के साथ स्ट्रगल करती थी, यहाँ पे ये लोग सीएसके को खेलेगी ऑन द मुंबई ग्राउंड। एंड डुप्लेसी हु हैज लुक्ड वेरी गुड इन द लास्ट 2 गेम्स विद द बैट, नीड्स जस्ट 1 रन टू रीच 6000 T20 रन्स, ही विल बिकम द 6th साउथ अफ्रीकन प्लेयर टू डू दैट। तो कैप्टन वाइस कैप्टन ऑप्शंस कौन बनते हैं दोस्तों? कैप्टन में देयर इज नितिश राणा, अगर स्पेशली थोड़ी सी अच्छी फ्लैट खेले विकेट देन राणा बिकम्स डेंजरस अगेन, बिकॉज़ उसके बड़े स्कोर्स के बीच में जो वो फेलियर आता है वो पिछले मैच में आ चुका है। देन मोइन अली, गेम आफ्टर गेम ही इज प्रूव्ड व्हाट अ बिग एसेट ही इज फॉर सीएसके, बिग कैप्टन ऑप्शन। एंड देन देयर इज फैफ डुप्लेसी एज वेल, लास्ट मैच में हमने इसको अटैकिंग बैटिंग करते हुए भी देखा, इफ ही बैट्स अबाउट 10-12 ओवर्स ही कैन स्कोर यू अबाउट 50-60 रन्स।
वाइस कैप्टन में आंड्रे रसल है, पंट वाइस कैप्टन ऑप्शन होएगा। शुभमन गिल है, अभी तक बिग इनिंग्स आई नहीं है, बट इट इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर। एंड देन वी हैव सुरेश रायना एज अ गुड वाइस कैप्टन ऑप्शन एज वेल। मगर मेरे परफॉर्मर प्रेडिक्शंस, फैफ डुप्लेसी की बैटिंग इंप्रूव हो रही है गेम बाय गेम, एंड इस बारी मेरा परफॉर्मर फ्रॉम सीएसके फैफ डुप्लेसी होएगा, एंड बॉल से शार्दुल ठाकुर होएगा। पंट ले रहा हूं, देखते हैं सही आता है या नहीं। केकेआर से शुभमन गिल विद द बैट, एंड बैट कमिंस विद द बॉल, बिकॉज़ आई फील वो इस विकेट से कुछ तो निकालेगा। सीएसके से मेरा पंट पिक मोइन अली है, अभी तक हर गेम में वो सही आया है, तो आई एम गोइंग टू स्टिक विद दैट। एंड अगर केकेआर के लिए सुनील नारायण खेलता है, ही बिकम्स माय पंट प्लेयर फॉर द मैच। अदरवाइज आई एम गोइंग टू गो विद आंड्रे रसल एज माय पंट पिक फ्रॉम केकेआर। मेरा विनर प्रेडिक्शन, मैंने हर गेम सीएसके के अगेंस्ट बेट किया है, तो इस बारी लेट्स बेट फॉर देम। चेन्नई सुपर किंग्स फॉर द विन, जस्ट बिकॉज मुंबई में नाउ दे हैव फाउंड देयर बैटिंग पेस, देयर बोलिंग पेस, एंड इट सीम्स लाइक एमएस धोनी हैज गॉट हिज मोजो ऑफ कैप्टनसी बैक एज वेल। ये है दो टीम्स आप लोगों के लिए दोस्तों। टीम वन में आप देखें तो दिनेश कार्तिक, शुभमन गिल और राहुल त्रिपाठी विद आंड्रे रसल हैं। फैफ डुप्लेसी, राइडू, रायना और मोइन अली है। मोइन अली को कैप्टन बनाया है, वाइस कैप्टन फैफ डुप्लेसी को बनाया है। अगर लुंगी नगीडी खेलता है तो वो मेरी टीम में यहाँ पे है विद वरुण चक्रवर्ती एंड पैट कमिंस। अगर लुंगी नगीडी नहीं खेलता है, फिर यहाँ पे मैं ड्वेन ब्रावो को रखूंगा या शार्दुल ठाकुर को रखूंगा। अगर आप चाहें इसी टीम में दिनेश कार्तिक की जगह एमएस धोनी के साथ भी जा सकते हैं, फिर आप रायना की जगह इयन मॉर्गन को भी डाल सकते हैं इस टीम में, या अगर चाहें तो नीतीश राणा को भी डाल सकते हैं। टीम टू पे आते हैं तो यहाँ पे एमएस धोनी को रखा है विद रायडू, फैफ डुप्लेसी एंड रवि जडेजा। वाइस कैप्टन बनाया है अंबती रायडू को, कैप्टन बनाया है नीतीश राणा को। ही इज देयर विद शुभमन गिल एंड राहुल त्रिपाठी। अगर सुनील नारायण खेलता है तो वो है इस टीम में, नहीं खेलता है तो आंड्रे रसल है इस टीम में। हरभजन सिंह की अभी रिकॉर्ड की बात की हमने वानखेड़े में, इसलिए उसको इस टीम में डाला है विद पैट कमिंस एंड शार्दुल ठाकुर। दोनों टीम्स के अलग अलग लुक्स हैं। टीम वन एक बेटर हेड टू हेड टीम है, टीम टू थोड़ी बिगर लीग में भी यूज हो सकती है, मगर फाइनल टीम्स आपको फैन रेस क्रिक टॉक लाइव 6:45 वाले शो पे मिलेगी, जो मैं आपको फिर टेलीग्राम पे भी भेजूंगा। तो टेलीग्राम पे फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए हमें। आई होप ये क्विक पेस फैंटेसी बाइट्स का वीडियो आपको अच्छा लगा। सी यू गाइस ऑन फैन ब्लेज क्रिक टॉक लाइव नाउ। गुड बाय एंड गुड लक टू यू ऑल।